नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिठरा भिरा। पिछले काफ़ी दिनों से हम पाकिस्तान के उन खूबसूरत रंगों को आपके सामने ला रहे थे जो अभी तक दुनिया के लिए काफ़ी अछूते थे। एज एन इंडियन व्लॉगर, एज एन हिंदू, मैं दूसरी दफ़ा पाकिस्तान पहुँचा हूँ और हर उस चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके लिए अभी तक समझो आपकी नज़रों से दूर थी। तो हमने जो शुरुआत की थी लाहौर से मुल्तान, उसके बाद कराची, हैदराबाद, सक्कर होते हुए हम पहुँचे थे लास बेला यानी कि शक्ति स्थल हिंगलाज भवानी, जो एक 51 शक्तिपीठों में से एक है, उसके दर्शन के लिए हमने शुरुआत की थी। रास्ते में कई चीज़ें आई जो मैं आपको दिखाता भी आया, लेकिन अब हम उस पवित्र स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका इतिहास कहें 26 लाख वर्ष पुराना है। जी हाँ, 26 लाख वर्ष पुराना यहाँ का इतिहास है। कैसे है वो भी सब आपको अंदर जाके बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, उन वीडियोज को शेयर भी करते रहें। अब थोड़ी सी अगर मैं इस इलाके की हिस्ट्री के बारे में बता दूं, तो ये जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, ये कभी हिंगोल देश हुआ करता था, हिंगोल देश। और हिंगलाज इसलिए भवानी का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो राजा थे, जो यहाँ का शासक था हिंगोल, वो बहुत ही क्रूर हुआ करता था, सभी लोगों को मृत्यु दंड देता था, काफ़ी अपनी प्रजा के साथ बहुत वो करता था। तब माँ भवानी को जिम्मेवारी सौंपी गई थी, उनके साथ योगिनी भी थी, कि ऐसे शासक का अंत किया जाए। एक कथा ये है। दूसरा, आप जानते हैं कि शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से जहाँ सती के बॉडी पार्ट्स गिरे थे, उनमें से जो ब्रेन कहें या अपने दिमाग का ये पार्ट इसी स्थान पर गिरा था। और तीसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस स्थान को हिंदू ही नहीं वर्ल्ड के, बल्कि मुसलमान भाई भी मानते हैं। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मुसलमान भाई इस स्थान को नानी माँ कहते हैं, जो उनके एक बुजुर्ग पीर मुरीद शाह अब्दुल लतीफ भुटाई, वो यहाँ पर आए थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो स्थान है काफ़ी शक्ति वाला स्थान है, एक यहाँ की अलग इम्पोर्टेंस है। वो यहाँ आए थे, दूध लेकर आए थे। उस समय जो आप ये मूर्त रूप देख रहे हैं, पत्थरों की मूर्त, ये बाकायदा यहाँ के लोगों का मानना है, जो पत्थरों की मूर्त आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि आप दूध पीजिए, लेकिन शायद सभी कहते होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, दूध नहीं पी सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की और एक शब्द कहा, नानी माँ दूध पी लीजिए, तो माँ ने वाकई दूध पिया था। इसलिए ये मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हिंदुओं के लिए है। तो इस स्थान पर जाने के लिए कैसे, आपको अंदर क्या क्या है, वो एक एपिसोड में ख़त्म होने वाला नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बनती चली जाएगी। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो पूरा हिंगलाज का एक पूरा जो एपिसोड है, ये कम से कम 2 या 3 पार्ट्स में पूरा होगा। तो इसलिए सभी से एक ही रिक्वेस्ट, पूरे वीडियोज़ को देखना है और भाई कमेंट ज़रूर करने हैं, क्योंकि इंडिया से पहली बार आके हम आप लोगों के लिए यहाँ से ये सब चीज़ें ला रहे हैं, जो अभी तक आपने इतने शक्तिपीठों के दर्शन किए हैं लेकिन इस शक्तिपीठ पर नहीं पहुँच पाए। मैं खुश नसीब हूँ, आई एम थैंक्सफुल टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है हमारे इंडिया में, वहाँ के अधिकारियों का और यहाँ के उन इदारों का जिन्हें ये अलग अलग डिपार्टमेंट कहते हैं, जिन्होंने मुझे वीज़ा देने में इतना प्यार दिखाया और उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं दुनिया के सामने पाकिस्तान के वो खूबसूरत रंग रखना चाहता हूँ, वो मोहब्बत और प्यार रखना चाहता हूँ जो मैं यहाँ से हासिल कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये शुरू में आपके सामने जो बोर्ड लगा पड़ा है, ये बोर्ड क्या है वो भी आपको बताता हूँ। ये हिंगलाज भवानी मंदिर के लिए मोड़, जब हम कराची से आते हैं तो राइट होना पड़ता है और आगे जाके प्रिंसेस ऑफ होप से आते हैं तो यहाँ से लेफ्ट होना पड़ता है। अभी बड़ा जो गेट है वो लेफ्ट में है,
ये देखिए जी, अब ये बड़ा गेट यहाँ से ये है। जब हम हाईवे से जाते हैं तो मेन एंट्री गेट यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है हिंगलाज माता मंदिर, जो कि एक शक्ति स्थान है। यहाँ से बताया जा रहा है कि लगभग 15 किलोमीटर, हालांकि डिस्टेंस एक्चुअल तो पहुँचने के बाद ही होगी, लेकिन जो मिले हैं उन्होंने यही कहा है कि लगभग 15 किलोमीटर अब हमें इस रोड पर जाना है। रोड ये भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये, इसलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पूरा इस पर कंसंट्रेशन की हुई है। हर तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर रखी जाती है, बाकायदा आने जाने वालों से उनके शिनाख्ती कार्ड, जो कि इंडिया में आधार कार्ड कहा जाता है, उनके नंबर तक लिए जाते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है कि यहाँ आने वाले जो भी पिलग्रिम्स होते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हिंगोल नदी बिल्कुल साथ साथ बह रही है और साफ़ सुथरा, कितना खास साफ सुथरा पानी है। ये इलाके के लिए बड़ी अच्छी बात है। अभी जब पास में पहुंचेंगे तो वो भी दिखाएंगे आपको, हिंगोल नदी के पास पास जब हम जाएंगे। कभी किसी ज़माने में माँ हिंगलाज के दर्शनों को अमरनाथ गुफा से भी ज़्यादा कठिन दर्शन माने जाते थे, क्योंकि यहाँ आने के कोई रास्ते नहीं होते थे, सिर्फ दो ही रास्ते होते थे, या तो दुर्गम पहाड़ियों में से या फिर रेगिस्तान में से, और इनसे आना यानी रास्ते में बहुत ज़्यादा खतरनाक जंगली जानवर भी पाए जाते थे। खास बात यह है कि यहाँ आते समय रास्ते में हिंगोल नदी भी बहती थी और उसका स्वच्छ जल काफ़ी दूर तक फैला हुआ होता था। दरियाए हिंगोल को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया हुआ है, हालांकि पहले दौर में ये नहीं होता था तो लोग मुश्किलों में होते थे। कुछ महीनों तक उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, या पहाड़ियों में काफ़ी लंबा चक्कर काट के वो जाया करते थे, लेकिन अब तो फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हो चुकी है। ये साथ में देखिए पहाड़, ये वही मड जो पहाड़ है, ये भी अपनी खूबसूरती अलग ही बिखेर रहे हैं। तो जनाब ये रहा ये ब्रिज, ये खूबसूरत ब्रिज। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लेकिन ब्रिज काफी खूबसूरत है। मोहम्मद असलम भूतानी, हिंगलाज ब्रिज ओवर हिंगोल रिवर, ये है जी। ये 2012 में इसकी इनॉग्रेशन की गई थी, 2 सितंबर 2012 को ये बना था, तब से लोगों के लिए काफ़ी आसानी हुई है। स्पीकर असेंबली के, बलोच असेंबली के स्पीकर थे। देखिए लेकिन कितना खूबसूरत ब्रिज है, हाय हाय जनाब, ये खूबसूरती है बलूचिस्तान की। नीचे बहती हिंगोल दरिया, ऊपर हिंगलाज भवानी का मंदिर, एक शक्ति पीठ जो भगवान शिव की सती से जुड़ा हुआ शक्ति पीठ है। आप सोच सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस है, यहाँ आज तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाए हैं इंडिया से। बहुत ही प्रोमिनेंट जो लोग हैं वही पहुँच पाए हैं, लेकिन वी आर वेरी थैंक्सफुल टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान एंड अदर ऑफिसिस हु गेव अस दिस वीजा, सो लॉट ऑफ थैंक्स अगेन टू देम। फिर से एक बार ये देखिए जनाब, पहाड़ों के ऊपर जो यहाँ मारखोर बोला जाता है, क्योंकि यह सांप खाता है और हम इसे ये लीजिए जनाब, इस एरिया में काफ़ी हैं और ये सांपों पर जिंदा होते हैं, इसका मतलब यह कि इस एरिया में सांप भी काफ़ी होंगे। कहते हैं जब ये सांप खाता है तो इसके आंसू निकल आते हैं। ये लसबेला के MNA MPA यानी कि
लोअर असेंबली के मेंबर एमएलए हमारे बराबर इसकी होती थी। लेट कौन से मुखिया सर, ये स्वर्गवासी अमर मुखी, स्वर्गवासी अमर मुखी जो यहाँ के हिंगलाज में इन्होंने काफी काम कराए थे, इसलिए इनके नाम पर ये गेट बना दिया गया है। पांडवों की कुल देवी माँ हिंगलाज का स्थान कराची से 264 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आने के लिए अभी एक मान्यता और भी है कि जब हम कराची से निकलते हैं तो लगभग 15 किलोमीटर दूर एक हब शहर आता है जहाँ हब नदी भी बहती है, और यहाँ आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले उसी हब नदी पर जाकर दो संकल्प लेते हैं। पहला संकल्प ये लेते हैं कि वो यात्रा पूर्ण करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण रखेंगे। दूसरा संकल्प ये भी लेना होता है कि यहाँ से उस पूरी यात्रा से वापस लौटने तक वो अपने सहयात्री को अपनी सुराही या अपने बर्तन से पानी भी नहीं देंगे, चाहे उसकी मृत्यु को ना आ रही हो। इसके पीछे मान्यता ये है कि माँ हिंगलाज अपने भक्तों की कड़ी तपस्या का इम्तिहान लेती है। हालांकि इस तरह का कोई वाक्य आज तक सामने नहीं आया है कि किसी की भी मृत्यु हुई हो। हब नदी से संकल्प लेने के बाद सभी को फिर आना होता है लगभग 150 किलोमीटर दूर चंद्रगुप्त मड वॉल्केनो जाए, यानी कि जो वॉल्केनो है वो रेत के हैं। यहाँ पर उबलती हुई ठंडी रेत वॉल्केनो से निकल रही होती है। ऐसे में जो यात्री यहाँ आते हैं वो अंदर जाकर कई सीढ़ियाँ चढ़कर जब ऊपर पहुँचते हैं तो अपने साथ लाए हुए नारियल को इस मड वॉल्केनो के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पर धूप बत्ती करते हैं। मान्यता ये है जिसका भी नारियल तैरकर ऊपर आ जाता है उसे माँ की तरफ से परमिशन मिल जाती है कि आप मेरे यहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ से निकलने के बाद जब यात्री बिल्कुल हिंगलाज से 8 किलोमीटर पहले होते हैं तो वहाँ पे जो मुंडकटा गणेश यानी कि जहाँ भगवान गणेश का सिर गिरा था वहाँ पहुँचते हैं और एक बार फिर से माँ से आज्ञा मांगते हैं कि माँ हम तेरे दर पे आ चुके हैं, क्या हमें फाइनली आपके आने की इजाज़त है। तो वहाँ से भी उन्हें इजाज़त लेनी होती है। मैंने ये दोनों वीडियो बड़ी तफसील से बनाई हुई है, चंद्रगुप्त मड वॉल्केनो की और सिर जहाँ भगवान गणेश का सिर गिरा था, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उन वीडियो को भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। चैत्र नवरात्र व बैसाख महीने की मेष संक्रांति पर यहाँ विशाल मेला लगता है। इंडिया ही नहीं पाकिस्तान या अन्य देशों के हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। पाकिस्तान के श्रद्धालु तो कई सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यहाँ पर माता के जयकारों के नारे लगाते हुए आते हैं। कई बार तो ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है कि यह मंदिर भारत में है या पाकिस्तान में। सिंधु नदी के मुहाने से करीब 122 किलोमीटर पश्चिम तथा अरब सागर से 18 किलोमीटर उत्तर में बलूचिस्तान प्रांत के दो जिले मरकान तथा लस जहां अलग होते हैं, यहां पहाड़ों की अंधेरी गुफा में माँ हिंगलाज का स्थान बना हुआ है। हिंगलाज शक्ति स्थान का कोई दरवाजा नहीं है। माता हिंगलाज की परिक्रमा के लिए यात्री गुफा के एक छोर से दाखिल होकर दूसरे छोर से निकल जाते हैं। मंदिर परिसर के नीचे गुरु गोरखनाथ का चश्मा बना हुआ है और मान्यता यह है कि माँ हिंगलाज भी सुबह यहाँ स्नान करने के लिए आती हैं। यहाँ जो पहाड़ बने हुए हैं उन्हें सबसे पहले जो बाई ओर शुंभकोट और दाई ओर निशुंभकोट है, मध्य में शरण हिंगलाज की गुफा व कुंड है जहाँ हिंगलाज देवी के प्राकृतिक महल बने हुए हैं। ये यक्षों के बनाए हुए माई के महल कहलाते हैं। इन महलों की खूबी यह है कि 35-40 हाथ ऊंची रंग बिरंगी छत जो कि प्राकृतिक रेत की बनी हुई है, उनमें रंग रंगीले लटकते पत्थरों का प्राकृतिक दृश्य है। रंग बिरंगा यहाँ का आंगन, एक तरफ मखमल जैसी हरी हरी धूप तो दूसरी तरफ अनगिनत फूलों के झाड़ सारे वातावरण को सुगंध से भर देते हैं। पास ही दूध जैसा निर्मल पानी मुस्कुराता झर रहा होता है। यहाँ माता सती कोटारी रूप में जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो हर शक्ति पीठ की तरह यहाँ भी भगवान भोलेनाथ माता रानी की रखा भैरव राग के में रखते हैं। मंदिर परिसर में श्री गणेश कनिका माता, मेरी माता, ब्रह्मकुंड,
तीरकुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ बने हुए हैं। पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर जब श्रद्धालु माता हिंगलाज के स्थान पर दाखिल होते हैं तो प्राकृतिक रूप से बने माँ के स्वरूप, जिसमें एक माता हिंगलाज का व दूसरा योगिनी शक्ति का स्वरूप है, दोनों के दर्शन होते हैं। माता हिंगलाज की मूर्त तो साक्षात वैष्णो देवी का स्वरूप है। हिंगलाज देवी के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो एक बार माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना होता और वो पाप मुक्त हो जाता है। हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ के आचार्य गोपाल दास जी हमारे साथ हैं। क्या इस स्थान की मान्यता है? आज 51 शक्तिपीठों में ऐसा कौन सा सती माता का वो पार्ट था जो इस स्थान पर आया था? और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम पीपल्स हैं वो उसे नानी माँ भी बुलाते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका जवाब लेने के लिए मैं पुजारी जी के पास हूँ। पुजारी जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो माँ के यहाँ पहुँचा हूँ। कितने इसकी जो प्रथा है, हिस्ट्री है, कितनी सालों पुरानी है और क्या इसके पीछे कथा क्या थी? देखिए ना, मैं आपको बताऊं। एक होती है हिस्ट्री यानी तारीख, एक होती है कथा, कथा यानी माता का चरित्र। आप क्या सुनना चाहते हैं? कथा इसके पीछे क्या कथा है? कथा है या तारीख सुनना चाहते हैं? दोनों ही चाहेंगे जी। पहले तो कितने वर्षों पुराना ये है? और ये हमारे वेदों के हिसाब से तकरीबन 32 लाख साल पुराना है। 32 लाख साल पुराना। जब हमारे वेद बन रहे थे तो भगवान ने देवताओं को बुलाया और कहा कि देखो, ये धरती जो है वो मृत्यु लोक है। यहाँ जो जन्म लेता है वो मरता है, जहाँ पैदा हुआ है वो फना होगा। इस धरती को भी फना होना है, इसलिए हम जो हैं इसकी उम्र मुकर्रर करते हैं चार हिस्सों में, जिसको हम चार युग बोलते हैं। पहले युग का नाम रखा गया सतयुग। सतयुग के उम्र जो थी वो थी 17,28,000 साल। उसके अवतार थे शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक स्वामी, ये थे। वो दौर गुजर गया, उसके बाद आया दूसरा दौर जिसका नाम था त्रिपिता युग। उसकी उम्र थी 12,93,000 साल। उसके अवतार थे रामचंद्र, सीता, हनुमान और थे। वो दौर गुजर गया, फिर आया तीसरा दौर। तीसरे युग का नाम है द्वारपा युग। द्वारपा युग का जो उम्र थी वो थी 8,64,000 साल। उसके अवतार थे श्री कृष्ण भगवान, रुक्मणी, राधा, ये अवतार थे। वो दौर गुजर गया, अभी है ये कलयुग जो आखिरी दौर, जिसमें सब ने बोला है, हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे दरवेश हैं, हमारे आने वाले, क्योंकि देवता अभी आ नहीं सकते, तो उसका नाम है कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। अभी इसको गुजरे हैं 5,118 साल। 5,118 साल ये और वो मिलाते हैं, हो जाते हैं 38,93,118 साल। जब इधर जालम बादशाह हुंगोल था, उसने जुल्म का शोर मचाया, जुल्म की तलवार चलाई, तो देवताओं ने भगवान से बोला कि भगवान, अभी ये जुल्म हो रहा है। भगवान ने माता सती भवानी को बुलाया। सती भवानी इधर आई और हिंगोल बादशाह को इधर मारा था, उधर मारा था। वो था टाइम सतयुग का। उसको 6 लाख साल गुजर चुके थे। अगर हम 6 लाख साल काटते हैं तो बाकी बचते हैं 32,93,118 साल। किताबों के हिसाब से, दर्शनों के हिसाब से जो कहा गया है कि इधर सती का कोई पीस गिरा था, ठीक है, तो सती का ये मस्तक गिरा था, जिसको हम रिदर पीस बोलते हैं, ये गिरा था। इस वजह से सती माता का इधर दर्शन होता है। सती माता चेतन रूप इधर है और जहाँ भी पीस गिरे हैं वहाँ चेतन रूप बनी है, ये भी हमारा चेतन रूप है। सती माता का नाम हिंगलाज में आने से हिंगलाज माता पड़ गया है। वैसे नाम इसका है सती भवानी माता। अच्छा, सती भवानी माता। और ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये है मूर्ति।
ये मूर्ति है हिंगलाज माता की, जो ओरिजिनल है, यानी कि आप ये समझें किसी ने बनाई नहीं है, कुदरती है, माता ने दृष्टि से बनाई थी, ये है इसकी, और इसका नाम है हिंगलाज माता। शालती बिटाई आया था, उसने जब इसको दूध पिलाया तो उसने कहा नानी माँ दूध पियो, नानी माँ दूध पियो। तो उसने दूध पिया, जब दूध पिया तो नाम पड़ गया नानी माँ, इसलिए मुस्लिम बिरादरी उसको नानी माँ कहती है, और हमारी हिंदू बिरादरी है उसको सती भवानी माता कहती है। वैसे तो हिंगलाज हिंगोल देश में आई, इसलिए नाम पड़ गया हिंगलाज। अच्छा, ये हिंगोल देश हुआ करता था उस पहले, ये हिंगोल देश था। आप हिंगोल रिवर देखें, हिंगोल आगे देखेंगे, ये हिंगोल देश था। अभी देश तो सब टूट फूट गए हैं ना, ये सिंधु देश बड़ा था, अब छोटा बन गया, पंजाब देश था, अब वो भी छोटा पड़ गया है, ऐसे तो ये देश थे। अच्छा, हिंगलाज माता की जो ये बाजू में है, ये है योगिनी माता। अच्छा, योगिनी माता वो भी उसके साथ थी, जब वो मूर्ति बनी तो योगिनी माता भी दृष्टि से ये मूर्ति बनाई गई, ये हिंगलाज माता ने बनाई, ये योगिनी माता। तो इस स्थान की फिर खोज किसने की थी इतने? ये खोज नहीं हो सकती, देखो मैं आपको बात बताता हूँ, जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ मंदिर है, वहाँ आबादियाँ हैं। नहीं, युग परिवर्तन हुए फिर सबसे, देखो न, वहाँ आबादियाँ हुई, आबादी होने का मतलब ये है यहाँ पर आबादी रहती थी, जब माता आई तो हमारे ऋषियों को, मुनियों को, दरवेशों को, ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि माता इधर प्रवेश कर ही चुकी है, तो वो आए तो उन लोगों ने पूजा की, उनको दर्शन मिला, उनको यकीन हो गया, तो इस तरीके से ये चलती रही बात, उन लोगों ने अपने वेदों में लिख दिया। अब ये बात ये है कि मैं उस टाइम पैदा तो नहीं हुआ था जी, ठीक है, आप भी किताबों पर चलते हैं, हम भी किताबों पर चलते हैं, किताब कभी झूठ नहीं बोलता है, तारीख कभी झूठ नहीं बोलती है, तो झूठ नहीं है, इसका मतलब है ये है तो है। साल भर में मेले भी लगते हैं? हाँ, मेले जो लगते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा जो देवताओं ने वरदान दिया था कि इधर जो भी आएगा मेले के दौरान, जिसको हम महान उत्तम यात्रा बोलते हैं। अच्छा, उसका नाम है महान उत्तम यात्रा। जब महान उत्तम यात्रा होती है, इधर जो भी आता है एकामातों के साथ पूजा करता है, अदायगी करता है, धन दान करता है, तो उसके ब्रह्म हत्या के पाप, मित्र हत्या के पाप, गुरु हत्या के पाप और सब पाप मिट जाते हैं। किस महीने में मतलब वो मेला लगता है? ये मेला जो लगता है, अक्सरत जो होती है वो अप्रैल की होती है। शाम की जो आरती होती है वो तो मानो यहाँ एक अलग ही छटा बिखेरती है। हिंगलाज माता की आरती से पहले भगवान गणेश की आरती की जाती है और पुजारी जी स्वयं सभी को यहाँ थाली देकर आरती का आशीर्वाद देते हैं। भगवान गणेश की आरती के बाद माता हिंगलाज की आरती की जाती है, जो कि सिंधी बोली में संपूर्ण होती है। Money.
अच्छा कुछ इस पवित्र स्थान पर इतनी मतलब आप कह सकते हैं कि पीसफुल यहाँ पे हमें वो लग रहा है और बिल्कुल जैसे एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। कुछ हिंदू परिवार भी आए बैठे हैं, हिंदू फैमिली आए बैठी हैं। मैं सर आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप कहाँ से आए हैं और आपका कितनी आस्था आज हिंदू परिवारों की, खासकर जो आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, थोड़ा सोरा के आ जाइए चरणों में, माँ के चरणों में। बिल्कुल बिल्कुल जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम परशोत्तम खत्री है, मैं वकील हूँ और सिंध उमरकोट सिंध से आया हुआ हूँ। और हम हर साल यहाँ पर आते हैं, हर नवरात्रि में आते हैं और जो हमारी बहुत यहाँ सेवा होती है, बहुत हमारी खिदमत करते हैं बिना किसी तफरीक के। हर किसी को यहाँ पर जो माँ के दर्शन हो जाते हैं, हम तो बस, और हमें क्या चाहिए, बस यही चाहते हैं, वो हमारा काम हो जाता है। परिवार रह रहे हैं आपके वहाँ इंडिया साइड या कभी कहीं? हाँ जी जी, मैं एक मरतबा गया भी हूँ, मेरे परिवार भी वहाँ पर हैं, ब्यावर में हैं, गुड़गांव में भी है। अच्छा, गुड़गांव में कौन सी जगह? वो गुड़गांव में वो इलाका पता मुझे याद में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, खैर मैं गुड़गांव से आया हुआ हूँ, आपके परिवार से जरूर आपकी हम मुलाकात कराएंगे, बल्कि हम भी आपके परिवार ही हैं। बड़ी खुशी की बात है आप यहाँ आएँ और हम यही कहेंगे कि आप बार बार आइए, हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए जो आप लोग इतना देते हैं। कुछ और भी यानी कि काफ़ी इलाके से सभी लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे सिंध से आते हैं, पूरे सिंध से, पाकिस्तान के मुख्य इलाकों से लोग आते हैं। बाबा गोपाल दास महाराज बैठे हैं, सेठ वीर सिंह साहब बैठे हैं, कि हमेशा इन्होंने बिना तफरीक के लोगों की खिदमत की है, दुआएँ भी देते हैं और जो भी आता है वो यहाँ से लेकर जाता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत, जो भी आया है वो कुछ ना कुछ जो उसने मांगा है वो उसे मिला है, क्योंकि काफ़ी पौराणिक, काफ़ी ऐतिहासिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये स्थान है माता भवानी का, जहाँ पर हिंदू ही नहीं बल्कि यहाँ के मुस्लिम भी इसे नानी माँ पुकारते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस स्थान की कितनी मान्यता है, कितना भाईचारा है, कि यहाँ पर कि ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ हिंदू ही आ रहा है, मुसलमान भी आ रहे हैं। मेरे साथी दोस्त भी आए हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ सफ़र किया था, उनको यही था भाई आपके भरोसे हम भी नानी माँ के वहाँ चल रहे हैं। तब मुझे पता चला था कि नानी माँ के नाम से प्रसिद्ध है और आचार्य जी ने हमें पूरी तरह से डिटेल में बताया कि कैसे ये नानी माँ प्रसिद्ध हुई थी। खैर हम शुक्रगुजार हैं एक बार फिर से आप सभी के कि आपने इस स्थान की इस महत्वता को आज भी इतनी खूबसूरती से संभाल के रखा हुआ है। आपका आशीर्वाद, आपका भी शुक्रिया और आप सब पाकिस्तान के भाइयों का शुक्रिया जो इतनी खूबसूरत आप यहाँ पर इसको संभाल के रखे हुए हैं और बड़ी मेहनत से करते हैं। नहीं, हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा प्रेम देखने आए। नहीं, आपके प्रेम का तो मैं शुरू से ही कायल हूँ। आप हमारा प्रेम देखने आए हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद कि आप हमारा प्रेम देख लो, किस तरीके से हम प्रेम करते हैं। इधर कोई हम ऐसा नहीं समझते ये कौन आया, ये कौन आया, वो कौन आया, सब अल्लाह के बंदे हैं, माता के बंदे हैं। अब मेहमान मेहमान है माता का, मेहमान कहते हैं हमारे धर्म के अंदर वो ईश्वर का रूप होता है, भगवान का रूप होता है, किस सूरत में आया है क्या मालूम, इसलिए हम सब की सेवा करते हैं। धन्यवाद। मंदिर के पुजारी जी से आपने सुना कि कितना पवित्र स्थान है, लाखों वर्ष से ये स्थान अपनी पवित्रता को कायम किए हुए है। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करूँगा। इसके बाद भी और इसी मंदिर के और भी एपिसोड आपके सामने आएंगे, जहाँ पर भगवान राम से जुड़ी कथाओं का जिक्र होगा कि उन पर जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था तो वो इसी स्थान पर आकर दोष मुक्त हुए थे भगवान राम। इसके अलावा बाबा गोरखनाथ की से भी जुड़ी कथाएं हैं जो सब आपको अगली उसमें दिखाएंगे। तो इसलिए सबसे एक ही रिक्वेस्ट, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं आपको हिंगलाज शक्ति स्थान के दूसरे एपिसोड में, ताकि आप लोग उन चीज़ों को एक बार फिर से देख सको जो हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खुद पहुँचे आपके लिए। तो चलते चलते लेते आपसे अलविदा और अलविदा लेने के साथ साथ करेंगे आपसे रिक्वेस्ट कि कमेंट करते रहिए, बेल आइकन के बटन दबाइए और वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार।